आज हम बनाएंगे वर्ल्ड फेमस मेक्सिकन एवोकाडो डिप, जिसका नाम है गुआकामोली। इसके लिए हमें चाहिए 3 एवोकाडोस, आधा प्याज, 1/4 हरी मिर्च, 2 लहसुन के टुकड़े, सिलेंट्रो या पार्सले, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा नींबू या 1 लाइम। सबसे पहले आधा प्याज बारीक बारीक यानी कि छोटा छोटा काट लीजिए। अब 1/4 हरी मिर्च के बीज निकाल लीजिए और उसे भी बारीक बारीक काट लीजिए। अब गार्लिक यानी लहसुन की 2 तुरियां और इन्हें भी फाइनली चॉप कर लीजिए। सिलेंट्रो या पार्सले आपके पास जो भी अवेलेबल हो, 7 से 8 डंडियां पत्ते समेत, और इनका भी चॉप चॉप चॉप। अब अपना कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया एक बोल में डाल लीजिए। एवोकाडो को काटने का सबसे सिंपल तरीका है कि उसको सेंटर में से एक कट दीजिए और फिर हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। अब सीड को निकालने के लिए नाइफ के साथ हल्का सा सीड पर एक बैंग और उसके बाद एक ट्विस्ट। अब एक पतले से चम्मच के साथ स्कूप कर लीजिए एवोकाडोस की फ्लेश को अच्छी तरह से बोल के अंदर। सीड्स को भी बोल में साथ में डालिए, क्योंकि सीड्स डालने से आपकी गुआकामोली का रंग हरा बना रहता है, काला नहीं होता और वो फ्रेश रहती है। अब आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा या क्यूमिन पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और आधा नींबू या 1 लाइम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब 2 फोक्स लीजिए और उनके साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करिए। गुआकामोली अब कुछ इस तरह से लगना चाहिए और अब ये तैयार है बोल में डालने के लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा अगले दिन खाने के लिए इसे क्लिंग रैप करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। मल्टीग्रेन टॉर्टिला चिप्स के साथ इसे सर्व कीजिए। टेस्ट माइंड ब्लोइंग, सिर्फ 10 मिनट में तैयार गुआकामोली। एंजॉय। और 1 मिनट, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस का मजा ले सके। किचन सिंह की तरफ से आप सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड बाय।